वो दूर नज़र आ रहा है वो है वर्ल्ड पीस पगोडा स्तूपा है, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और दिखाना है मुझे, वो स्टैचू नज़र आ रहा है वो है भोलेनाथ का स्टैचू, मैं वहाँ भी अभी जा रहा हूँ। तो चलते हैं, दोनों डेस्टिनेशन आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। देखिए डेविस फॉल से आगे निकलने के बाद ये दो रास्ता कटा है, एक लेफ्ट आपको चला जाएगा गोरखपुर के लिए सनौली बॉर्डर, और ये राइट जो जा रहा है ऊपर जो चढ़ाई देख रहे हैं ये जाएगा वर्ल्ड पीस पगोडा और शिवा स्टैचू है, लॉर्ड शिवा स्टैचू, बहुत ही खड़ा चढ़ाई है ये। देखिए टूरिस्ट कार्स है, ये टूरिस्ट लोगों को ले जा रहे हैं, ये सब टूरिस्ट स्पॉट है और काफ़ी कम यूट्यूबर ये सब जगह कवर करते हैं, आते हैं पोखरा सीधे मुक्तिनाथ निकल जाते हैं। मैं भी मुक्तिनाथ निकलूँगा कल, लेकिन आप लोगों को पोखरा घुमाने के बाद। इसी बात पर दुनिया देखो विद सनी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऊपर आते के साथ ठंड लगने लगा। अच्छा आ गए, ये देखिए यहाँ से नज़र आ रहा है वर्ल्ड पीस पगोडा। इधर ही से जाना है क्या? अच्छा वे टू स्तूपा 10 मिनट वॉक है ये, मतलब ऊपर जाने के लिए यहाँ से पैदल जाना होगा। अच्छा भैया ये रास्ता किधर जा रहा है? उधर बड़ा शिवाजी का टेंपल है ना, यही रास्ता जाएगा? यही रास्ता जाएगा। रोड खराब है या अच्छा है? ऐसे ही है। शिवाजी के टेंपल तक ऐसे ही है? और कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? दूसरा रास्ता बहुत दूर है। अच्छा वो भी खराब है। और इस स्तूपा जाने के लिए पैदल जाना होगा, बाइक नहीं जाएगा? ओके तो वो जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने वो ख़राब रास्ता है जो शिवाजी के टेंपल तक जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और ये है ऊपर जाने का वर्ल्ड पीस पगोडा में जाना है तो पैदल चलना होगा सीढ़ी, वो भी मैं करूंगा, आपके लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन आप भी मेरे लिए कर दीजिए कुछ, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। बाइक को लगा दिया मैंने यहाँ। काफ़ी स्टेयर्स चढ़ना होगा ऊपर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। वहाँ है शिवाजी का टेंपल स्टैचू, वहाँ भी जाएंगे। जहाँ जाओ वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैकिंग करना पड़ता है। सांस चढ़ गया, काफ़ी स्टेयर्स है। ओह हालत ख़राब हो गया भाई यहाँ आने में। वीडियो अलाउ नहीं है यहाँ का, लेकिन फिर भी ले रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए लाइट एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, इसको लाइट एरोप्लेन्स कहते हैं जो छोटी वाली है। काफ़ी चीज़ है करने को यहाँ पोखरा में, ब्यूटीफुल। वेलकम टू वर्ल्ड पीस पगोडा। अभी और भी स्टेयर्स है। सो नाइस व्यू। सो ब्यूटीफुल व्यू दिस इज। वो देखिए पोखरा एयरपोर्ट है। ये है पोखरा का नज़ारा,
ओनली ऑन दुनिया देखो विद सनी, लॉट्स ऑफ फॉरनर्स आर ऑल्सो हियर। ओह माय गॉड, डर गए हम तो, क्या वजह। ये आ गए वर्ल्ड पीस पगोडा पोखरा, ओनली ऑन दुनिया देखो विद सनी। कहीं नहीं मिलेगा आपको ये नज़ारा, सिर्फ और सिर्फ दुनिया देखो विद सनी पर ही मिलेगा। सो गुड, ये वर्ल्ड पीस पगोडा, ओनली ऑन दुनिया देखो विद सनी। आप ये नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत है पोखरा का। ये है वर्ल्ड पीस पगोडा, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये वर्ल्ड पीस पगोडा, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये व्यू देखिए ऊपर से पोखरा लेक का। Oh my God, so nice place this is। ये देखिए वर्ल्ड पीस पगोडा के एकदम ऊपर आ गया हूँ, और ये है व्यू। ये है व्यू पोखरा से, वर्ल्ड पीस पगोडा से, पूरे पोखरा का व्यू, पेवा लेक। ओनली ऑन दुनिया देखो विद सनी, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब चलिए चलते हैं लॉर्ड शिवा स्टैचू, नहीं तो वो भी क्लोज हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलिए, नहीं तो बंद हो जाएगा लॉर्ड शिवा टेंपल, टाइम हो गया बंद होने का। नेपाल इंडिया तो मेरा पहले से हो रहा है, काफ़ी वीडियोस है, और नेपाल का मैंने अभी कालीन चौक का काठमांडू किया है, अभी कल मुक्तिनाथ जा रहे हैं। यहाँ का हो गया? हाँ यहाँ का हो गया, आपको देखने मिल जाए। हाँ भूल जाइएगा, दुनिया देखो विद सनी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली, चलिए ओके बाय। अब चलते हैं लॉर्ड शिवा स्टैचू।